सो फाइनली फ्रेंड्स, अल्लू अर्जुन सर की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा का एक और डांसिंग सॉन्ग रिलीज होने को है। और आपको बता दें कि इस डांसिंग सॉन्ग में अल्लू अर्जुन सर के साथ दिखने वाली हैं ब्यूटीफुल रश्मिका मंदाना। आज ही अल्लू अर्जुन सर की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा के एक और न्यू डांसिंग सॉन्ग की अपडेट हमारे सामने आई है, जो कि इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगर आप अल्लू अर्जुन सर के डाई हार्ड फैन हैं तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, कहीं आपसे कोई जानकारी स्किप ना हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अल्लू अर्जुन सर की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा का एक गाना जागो जागो बकरे सॉन्ग ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसने यूट्यूब पर कुछ ही घंटों में मिलियंस व्यू पा लिए थे। उसी तरीके से अब एक और डांसिंग सॉन्ग रिलीज होने वाला है, जो कि इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग की तरह होगा। इस आइटम सॉन्ग में अल्लू अर्जुन और ब्यूटीफुल रश्मिका मंदाना डांस करती हुई दिखाई देने वाली है, लेकिन रश्मिका मंदाना को अपने डांस को निखारने के लिए अलग से डांस क्लासेस लेनी पड़ रही है, ताकि वो अल्लू अर्जुन सर के साथ डांस मैच कर पाए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पुष्पा 150 करोड़ के हैवी बजट से बनने वाली एक पैन इंडिया मूवी है, और इसको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी लैंग्वेज में एक साथ रिलीज किया जाने वाला है। पुष्पा मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एस सुकुमार, और इस मूवी का जो म्यूजिक दिया हुआ है वो DSP सर ने दिया हुआ है। आपको मालूम होगा कि DSP सर का म्यूजिक बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके पहले अल्लू अर्जुन की काफी मूवीज में DSP सर का ही म्यूजिक था और उन मूवीज के गाने सुपर डिपर हिट हुए हैं। उसी तरीके से हाल ही में जब जागो जागो बकरे सॉन्ग रिलीज हुआ तो वो भी बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ और उसके मिलियंस में व्यू गए। अल्लू अर्जुन के फैंस को ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब देखना ये है कि रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन का डांसिंग सॉन्ग पुष्पा मूवी में किस तरीके का नजर आने वाला है। फिल्म के मेकर्स ने अभी इस सॉन्ग को रिलीज करने की कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन बहुत ही जल्दी कोई ना कोई डेट हमारे सामने जरूर अनाउंस होगी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिल्मी फाट को, क्योंकि हम बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपकमिंग मूवीज और म्यूजिक वीडियोज की अपडेट्स अपने चैनल पर हमेशा लेकर आते हैं।